तो दोस्तों अभी हम थोड़ा निकल चुके हैं, अपने को मीटिंग में जाना है थोड़ा। रेंज बना के ब्रेक डाउन दिया उसने। तो ये देखो, ये जो फुट ऑप्शन था, छोले चावल खाएंगे, बहुत खा लिया फास्ट फूड यार। और ये हमारा ये हो चुका है ट्रेड आज का, डन करते हैं। फाइनली अपन लोग पहुंच के घर। 1000 कमेंट्स उस पर जल्दी से कर दो, फिर गिव अवे अनाउंस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल सभी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सही हो गए, आप सभी ठीक होंगे, हाल चाल तबीयत पानी सब ठीक। अपन तो अभी उठ रहे हैं 10 बजे, ज़्यादा बहुत लेट हो गया था सोते सोते, और बिस्तर में उठे उठे 9 बजे एक स्कैल्प भी मारा। मार्केट मुझे नीचे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, तो स्कैल्प भी मार लिया छोटा सा, ठीक है। और 1800 क्वांटिटी से मारा फिर निफ्टी में, 110 पे उठा ना, 120 उठा के 128 पे निकाल दिया उसको। 14-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट सुबह सुबह। साइड भी ग्रीन हो चुका हमारा, तो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा मॉर्निंग का अपना स्कैल्प, 17,700 एक कॉल ऑप्शन फिर निफ्टी में, ये लो अभी 110 चल रहा है। मैं एक छोटा स्कैल्प मार के उठाया इसको, क्योंकि फिर निफ्टी का जो इंडेक्स था नीचे से कुछ सपोर्ट लेते हुए आ रहा था यहाँ कहीं से, तब मैंने यहाँ कहीं उसको उठाने की सोची, और इसी में कैंडल में एक स्कैल्प मार के मैं निकल गया उसको, ठीक था। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, तोड़ता है नहीं तोड़ता है, ठीक है। तो फ्राइडे में हम स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, तो उसमें भी हमारा एक ट्रेड हो गया। तो दोस्तों अभी अपन चलते हैं यहाँ को, ये अपन गेस्ट हाउस से चेकआउट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने कुछ गिलास भी फोड़ा है, बंदर ने फोड़ा गिलास, अभी हमने उन्हें बताया नहीं है, अगर हम उन्हें बताएंगे तो हमारे लग जाएंगे। और ये पैक करके इसको उठाया, तब इसने पैक किया है, तभी निकल रहा है। तो अभी अपनी मीटिंग है थोड़ा कहीं पर, फिर चलते हैं। और यहाँ हम 4 दिन रुके थे, तो गेस्ट हाउस वाले ने अपन से लिया अराउंड कितना, 9,500 रुपये, ठीक है। इतने में तो चलता है गेस्ट हाउस ही है। प्रॉफिट भी आज अपन ने अभी तक निकाल रखा है अराउंड 17,800 तो निकल गया हमारा गेस्ट हाउस का, गेस्ट हाउस का किराया भी निकल गया। इस अभी लॉस भी कुछ नहीं हुआ है, तो ओवरऑल अच्छा ही प्रॉफिट है इस हफ्ते भी। वीकली वाइज प्रॉफिट बहुत सही चल रहे हैं। प्रॉफिट भी गेस्ट हाउस रुकने का, हमारे स्टे का जो खर्चा है निकल चुका है। तो ये अभी तक का चल रहा है हमारा सिस्टम, बिना पेमेंट के थोड़ा जाएंगे तुम्हारे यहाँ से यार। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा निकल चुके हैं, अपने को मीटिंग में जाना है थोड़ा, मतलब हेड ऑफिस में, तो देखते हैं कुछ है डील वील फिर इसके। और ये भाड़ू जो है हमारे साथ टकला, इसे हम लेके आए अपने साथ, यहीं रहता है मोड़ा मित्र, हमारे परम मित्र। अब इसको हम ले जाएंगे अपने घर, वहीं खिलाएंगे इसको माची भात, ठीक है। अब घर वाले गए कि इसके नाम पर तो मैं आता ही हूँ रोज घर से, कि अक्षय के घर जाता, अक्षय के घर जाता अल्मोड़ा। अब उन्हें भी तो पता ही चले कि अक्षय कैसा दिख रहा है आजकल, क्या आ रहे हैं इसके हाल चाल, इसको उसको यहाँ से मडुए देना पड़ेगा है ना। तो हम इसको लेके अभी चल रहे हैं ज़बरदस्ती का, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी, अगर इसको उतरना है कूद सकता है वरना कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखो अभी मैं अभी हूँ यहाँ अल्मोड़ा के शिखर होटल में, यहाँ का क्यू काफ़ी तगड़ा है, और अपन अभी जो जा रहे हैं थोड़ा मीटिंग के लिए, पहाड़ों के ऊपर से पहाड़ों के नीचे तक आज तो अब ऐसे फ्राइडे है, अपन कुछ करते नहीं है फ्राइडे के दिन, 1800 क्वांटिटी से ही करता हूँ मैं, एक ही ऑर्डर चलता है मेरा। मीटिंग तो ठीक है, मीटिंग में जो हुआ ठीक है, अपना जो सुबह सुबह 15-17 हज़ार प्रॉफिट था वो भी 5,000 की लॉस में टर्न हो चुका है। अब हम उसको देखते हैं कुछ लाएंगे तो, हम मैं स्कैल्पर हूँ, जो मीटिंग के चक्कर में बातों के चक्कर में ट्रेड लेके बैठ के छोड़ दिया मैंने तो स्कैल्पर के लिए सही ये दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा है ना। बाकी एक बार दिखा देते हैं क्या। तो ये देखो, ये जो फुट ऑप्शन था ये लेके गया था मैं भी, थोड़ा घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी देखते हैं, वैसे फ्राइडे इतनी तो ये कुछ है ही नहीं है, तो खाली वो हुए चार्जेस चार्जेस मान के रख लेते हैं हम इसको। तो अभी देखते हैं, अगर हम आज हम क्या बोलते हैं, गाड़ी हमारे पास नेटवर्क नहीं है ढंग का, और देखते हैं क्या हम इसको कर पाते हैं ग्रीन, क्या ये हो पाता है ग्रीन। हम गाड़ी में चलते चलते इसको ट्रेड भी करेंगे और ग्रीन में लाने की कोशिश भी करेंगे,
और हम घर पे भी हमने जाना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सा छोले चावल लगाओ, छोले चावल खाएंगे, बहुत खा लिया फास्ट फूड यार। अब घर की तरफ जाए तो छोले चावल पाना पड़ेगा। यानी मार्केट में हम देखते हैं वापस रिजेक्शन लेके मार्केट प्राइस नीचे आया है, तो क्या हम इस 5,000 के लॉस को कवर कर पाते हैं इसे इवनिंग तक। तो ट्रेडिंग में कभी आपको फन भी क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि फ्राइडे है, ट्रेड तो खुजली तो मचानी है। क्या हो रहा है, बुलगेजी तो जाएगा, ट्रेड मारो। एक जब आप और दिन में भयंकर 5-5 लाख से करते, तो यार क्या आज मैं 1 लाख से ट्रेड नहीं कर सकता? कर सकते हैं। इसी बहाने हम क्या थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन रुक के थोड़ा सा खाना वाना खा लें, और खाना देख ही रहे होंगे अभी हमारा थाली में छोटा प्लेट, क्वार्टर प्लेट भात, उसमें दाल और उसके ऊपर चटनी, ठीक है। और इनने तो पेल दिया है, तो ये मैं सोचना कि अब डायरेक्ट वो चाउमीन से क्या है, नूडल्स से भात पागी, यही हम रोज खाते हैं। वो तो जस्ट फॉर फन था। तो एक प्लेट तो खा चुके, छोटी सी दूसरी प्लेट चल रही है, और अपन ने भी कहा था कि कुछ कवर करेंगे, तो दिखाता हूँ तुम्हें क्या कवर किया हमने। ये ट्रेड निकाला हमने फिर से कुछ, ये लो लो मेरी जान, हो गया बस 70 को उठा के 77 रुपये, 10% 1800 क्वांटिटी में सिर्फ स्केल पे चल लिया। मजे ले जा रहे हैं मार्केट के साथ, क्योंकि मार्केट का भी हमारे साथ लेता है, तो फ्राइडे के दिन ऐसे ही करना चाहिए। तो अभी ये चल रहा है सिचुएशन। तो अभी अपन आ गए हैं आरटीओ ऑफिस, आरसी लेनी थी गाड़ी की, आरसी पापा को स्कूटी दी थी, उसकी आरसी तब से नहीं ले रही है, वहाँ लगा पड़ा है लाइन पे कि आरसी मिल जाए। और साथ ही साथ अपन ने जो ट्रेड कर रहे थे कि हम 2300 प्रॉफिट बनाए 17,000 के आसपास का, फिर हमें मीटिंग में गया, फिर मीटिंग में उसको क्या होते लॉस हॉस, मतलब उनके चक्कर में मेरे को ट्रेड को होल्ड करके छोड़ना पड़ा, उसमें मेरे को लॉस हुआ 24,000 के अराउंड सिंगल ट्रेड। फिर उसको मैंने वापस से जब ट्रेड प्लेस किया उसमें, तो अभी वो अराउंड मेरे को प्रॉफिट में आ चुका, तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा हो चुका है। अभी दिखा तो ये हो चुका है, सब ग्रीन हो चुका है। लो भैया वहाँ रुका पढ़ाई को, कौन है बात कर रहा है आसिक, और ये हमारा ये हो चुका है ट्रेड आज का, डन करते हैं। तो अपन ने अभी ले लिए आरसी लेने गए थे हम आरटीओ ऑफिस में, स्कूटी हो गई है, काफ़ी देर लगाया उसने, तो हम चल देते हैं घर की ओर। हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है, और ये बना रहा है हवा, सांप बना रहे सांप। ये लहरा लहरा सांप बना दे, सांप बना दे, ये सांप बना दे। ये भाई यहाँ के पहाड़ बड़े सही है, नंगे नंगे पहाड़ जो है ना, इसके अगर टॉप पर जाए तो बहुत अच्छी फोटोज आएंगी वहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू भी आ सकता है, देखो एकदम मजेदार ये। ये आ गए हम अपने गांव की तरफ, लेकिन अभी हमारे यहाँ से थोड़ा सा है गांव, ये है बगवाली पोखर, ये देखो भाई साहब चीज। फाइनली अपन लोग पहुंच के घर, और अपना देखो कौन है ये, है ना, इसके लिए हम लाए थे इसके पट्टा, नया पट्टा लेके आया, उसकी नई बेल्ट, वो बेल्ट इसको पहनाऊंगा। इधर आते को नया पट्टा देता हूँ, कौन आओ आओ आ जाओ, नया पट्टा इसके लिए, नया पट्टा लाओ। तो ये हड्डी के लिए हुए तैयार था, इसका नया वाला नया पट्टा आया, बैठ जा पहले, बैठ जा स्कूबी, बैठ जा, इस तरह में दे दिया उसको, चल पट्टा लेके जाओ, चलो आ जा, इधर कहाँ लेके जा रहा है, उधर चल, गुड, लेके चल। तो ये आदखा अल्मोड़ा, इसको हम आए नहीं है, इसको हम लेके आए हैं, हमने इसको गाड़ी में बैठाया, दरवाजा खोला ही नहीं जब हम बहुत दूर आ गए तब, तो अब इसने काफी मजे लिए हैं अल्मोड़ा में, है ना, रोज हरियाली देखी है, अब तुम चकोटिया में देखो सूखा। तो हम थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं, बाइक को भी देखना जरूरी है, वो बेचारी नाराज हो रही होगी, कह रही है मेरे ऊपर तो बैठता ही नहीं, चढ़ता ही नहीं है, तो आज बाइक के ऊपर चढ़ते हैं, और उस गाड़ी में चढ़, ठीक है। तो अब थोड़ा बाइक में चढ़ गए, मतलब बाइक चला के थोड़ा सा धुआं धू करके आते हैं, ठीक। तो अभी हम आ गए बाजार से घूम के, ये इसका तो स्वागत है, ले मिठाई खाएगा, इसको ले जा, आ जा ले मिठाई, लेके जाओ उधर, चल मिठाई लेके जा, ले जा खा भी देगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ये भुक्कड़ है ये, कान खड़े हो गए इसलिए। तो ये अपन अल्मोड़ा से लेके आया कुछ बढ़िया बढ़िया वाली मिठाई, ये देने पड़ेगा मम्मी को, जाके देने पड़ेगी 3 डब्बे मिठाई, किस खुशी में, इसके लिए तो हम पट्टा लेके आए, हड्डी लेके आए बढ़िया वाले। तो अभी अपन बहुत कुछ किया दिन में आज, ट्रेड्स भी किए, फ्राइडे को भी, फ्राइडे फैक्टर से भी लड़े हम, फिर मीटिंग्स भी की कुछ, वो मैनेजर ही थे बैंक्स के, हेड क्या बोलते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट के हेड, उनसे भी मीटिंग किया, उनको भी बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। और उसके बाद अपन आए गाड़ी में चलते चलते, अपने ट्रेड्स भी चल रहे थे, है ना, पहले अपन ने सुबह 17,000 बनाया, फिर उनको वहाँ पर ट्रेड दिखाने के चक्कर में 1800 क्वांटिटी से वहाँ पे लिया, वहाँ पर कुछ प्रॉफिट लॉस उनको वहाँ पर करके दिखाया, फिर वहाँ पर अपना ट्रेड छोड़ दिया, वो प्रॉफिट से लॉस में बदल गया, फिर उसको काटा, फिर उसके बाद वापस से उसको कवर किया, फिर एक लास्ट फाइनल ट्रेड लेके ओवरऑल आज के दिन में हमने प्रॉफिट रिटर्न कर दिया,
और वापिस से हम अपने सेटअप पे आ चुके हैं घर पे, ठीक है। तो और वहाँ से थोड़ा मिठाई उठाई भी लेके आए, लाना पड़ता है घर के, वरना घर वाले गाली देंगे कि इतने दूर दूर जा रहे हो कुछ लेके नहीं आ रहे हो, लाना जरूरी है। और मार्केट भी घूम लिया थोड़ा, तकिया वकिया भी आ गए, और ये टूटा है इसके लिए भी उसको झाड़ के आए जरा। यही हमारा आज का दिन होता है समाप्त। तो मेरे को काफी सारे नए ट्रेडर्स, यंग ट्रेडर्स जो भी हैं वो अपना मैसेजेस दबा के करते हैं भाई, तो मैं कुछ कुछ मैसेजेस भी लोगों के देखता हूँ, और मतलब सभी की ट्राई करता हूँ देखने की, बट कुछ अपने एनालिसिस मेरे को भेजते हैं कि भैया मेरा एनालिसिस देखो एक बार। तो मैं यहाँ पर कुछ, एक कोई मयंक शर्मा नाम से बंदा है, काफी दबा के इनने मैसेज किया, तो एक बार इनका मैं चेक करता हूँ किस तरीके की एनालिसिस इनने देखी की है, चार्ट इनने बना के भेजे और आज का शायद इनने मूव पकड़ा था एनालिसिस करके। तो ये है, इनके नंबर वगैरह नहीं आना चाहिए, वो दिक्कत हो जाती है। तो इनने कुछ इस तरीके की एनालिसिस इनको इनने भेजा है, काफी अच्छा एनालिसिस किया है, काफी सही पैटर्न इनने ड्रॉ किए हैं और काफी बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश की है। तो बहुत बढ़िया एनालिसिस था आपका शर्मा जी, देख लिया हमने और सही है। ट्रेंड लाइन ब्रेक इन मॉर्निंग सेशन, एम पैटर्न एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट इन इवनिंग सेशन, जब कैपिटल होगा तब रियल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, आपका आशीर्वाद हो। अरे आशीर्वाद वाली नहीं, आप ऐसे लगे रहो भाई और ऐसे एनालिसिस करो, एनालिसिस ठीक है, फिर उसके बाद जब स्टार्ट करोगे स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना, ताकि आपको रियल मार्केट में काम करते वक्त वो किस तरीके के इमोशंस आते हैं, किस तरीके के सिचुएशन से हमें डील करना पड़ता है वो समझ में आए। तब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ ग्रो होने लग जाता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आने लग जाती हैं। सो थैंक यू, आप अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हो, बहुत बढ़िया लगा, ऐसे ही करते रहो। तो अपने सेटअप पर बैठ के काफ़ी मज़ा आता है, हर दूसरे जगह भी जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम का भी कुछ कभी कुछ दिक्कत आता है, हमें अपने सेटअप पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कितने क्या नेट स्पीड है, कैसे काम किस तरीके से काम को मैनेज करना है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको मेरा व्लॉगिंग कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरा स्टॉक बर्नर ऐप डाउनलोड कर लो, और मैं जो अपने कैपिटल पर 200% का रिटर्न बना चुका हूँ लास्ट ओवरऑल 40 ट्रेडिंग सेशन भी अभी नहीं हुए, तो एक सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी मैं उस ऐप में शेयर करूँगा आपके लिए बहुत जल्द। तो आप मेक श्योर आपके पास ऐप होना चाहिए, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही, मेरा ब्लॉगिंग कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो घंटी है घंटी को भी दबाओ, ठीक है। और जो सेटअप टू वाले का गिव अवे भी अनाउंस होने वाला है, तो आप 1000 कमेंट्स उस पर जल्दी से कर दो, फिर गिव अवे अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद।